हेलो स्टूडेंट, आई एम सतवीर सिंह एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेकंड चैप्टर टाइप्स ऑफ हार्डवेयर फॉर क्लास 9th। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम कंप्यूटर की स्पीड को यानी उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कंप्यूटर में कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और किस स्टोरेज डिवाइस का यूज हम किस तरीके से करते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस की क्या मीनिंग है और इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं और किस डिवाइस का यूज हम किस पर्पस से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में और ये सारे डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट हैं जो इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। वन बाय वन इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डिवाइस का यूज हम कब करते हैं, किस पर्पस से करते हैं। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस की मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट लाइक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। यानी कि हम अपने कंप्यूटर में जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को सेंड करते हैं तो सेंड करने का जो भी वर्किंग है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे इनपुट डिवाइसेस के। यानी हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन या कमांड दे रहे हैं तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। बिना इनपुट डिवाइसेस के हेल्प के हम कंप्यूटर में किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन या कमांड को सेंड नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं और वन बाय वन और उनका क्या यूजेज है। फर्स्ट डिवाइस कीबोर्ड। व्हाट इज कीबोर्ड? इट इज ए टाइपराइटर लाइक डिवाइस विच इज यूज टू टाइप लेटर्स, डिजिट्स एंड कमांड्स। हमारा कीबोर्ड एक तरह से टाइपराइटर की तरह होता है। कंप्यूटर में कुछ भी राइट करना है, कोई भी लेटर्स या डिजिट्स या कमांड्स इनपुट करने हैं तो हम कीबोर्ड के थ्रू ही कमांड सेंड करेंगे। कीबोर्ड में बहुत तरह के की होते हैं जिनको हम अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिक की होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार। इसके अलावा हमारे फंक्शन की होते हैं जैसे F1, F2, F12 तक, जिनका हम यूज करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में। तो ये हमारा सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में सिग्नल सेंड करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माउस। द माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस डेट पॉइंट्स टू ए पोजिशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। यानी कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में किसी भी आइकन को, इमेज को या स्क्रीन पे किसी भी तरह का सिलेक्शन करना है तो ये हम माउस के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। माउस वॉज इन्वेंटेड बाई डगलस एंगलबर्ट ऑफ स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963। तो यानी कि माउस का जो इन्वेंशन है वो डगलस एंगलबर्ट ने किया था। माउस में राइट की, लेफ्ट की और एक बीच में सेंटर पॉइंट पे रूलर होता है जिसके थ्रू अगर हम रूलर का यूज करें तो पेज को अप या डाउन करने के लिए होता है। अगर हम माउस के लेफ्ट की का यूज करते हैं तो इसके थ्रू हम डबल क्लिक करके किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, जबकि अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो किसी एप्लीकेशन के या सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट माइक्रोफोन। अगर हम अपने कंप्यूटर में साउंड को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल इनपुट डिवाइस का हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन हमारे कंप्यूटर में तभी वर्क करता है जब हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड हो। अगर हमारे कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं है तो हम उस माइक्रोफोन का यूज नहीं कर सकते। ये बेसिकली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने का एक बेस्ट मीडियम है। नेक्स्ट पॉइंट स्कैनर। स्कैनर क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द प्रिंटेड इमेज विच कैन बी लेटर मैनिपुलेटेड, चेंज्ड एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि अगर हमारे पास हार्ड कॉपी में कोई भी इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट है तो स्कैनर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसके थ्रू हम बाद में उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्कैनर भी कई फॉर्म में होते हैं जैसे हैंड हेल्ड, ऐसे स्कैनर
जो स्मॉल साइज के होते हैं, फ्लैट बेड या ड्रम स्कैनर। स्कैनर का बेसिकली यूज यही होता है, अगर हम शॉर्ट में कहें कि अगर हम अपने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि अपने हार्ड कॉपी का जो डॉक्यूमेंट है उसको अपने डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने कंप्यूटर में सेव करें, तब हम स्कैनर का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड। इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड में एक तरह से डेडिकेटेड फंक्शन दिए होते हैं, जैसे अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो हर फूड आइटम के लिए एक स्पेशल की होता है जिसके थ्रू हम उस फूड का ऑर्डर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का यूज मोस्टली सभी को पता होगा, हमारे स्मार्टफोन में या टैबलेट्स में या लैपटॉप में आजकल टच स्क्रीन सपोर्ट आ रहा है, जिसमें हम अपने फिंगर टिप के थ्रू किसी भी एप्लीकेशन को टच करके ओपन कर सकते हैं। जिस सरफेस एरिया पे हमें किसी एप्लीकेशन को ओपन करना हो, हमें अपने फिंगर से उसको टच करना होता है ताकि हम इजी वे में उस एप्लीकेशन को यूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर इज यूज टू रीड बार कोड विच कैन बी फाउंड ऑन प्रोडक्ट्स इन शॉप। अक्सर हमने मॉल में देखा होगा, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड दिया होता है, जिसे बार कोड मशीन के थ्रू स्कैन करते हैं और वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल या इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर अक्सर हमने देखा होगा, हमारे क्रेडिट कार्ड के पीछे कुछ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स बने होते हैं, तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर होता है। ये कई टाइप के होते हैं, कई फॉर्म में इनको कैटेगराइज किया गया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अक्सर हमने कंपटीशन लेवल पे एग्ज़ाम दिया होगा तो हमने देखा होगा वहाँ पे एक OMR सीट होती है, तो उस OMR सीट को मैनुअली चेकिंग नहीं होती, बल्कि उसकी चेकिंग जो होती है वो OMR डिवाइस के थ्रू होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू होती है, जिसमें आंसर ऑलरेडी फीड होता है और डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को, सीट को स्कैन करके चेकिंग हो जाती है कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है और ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर कैटेगरी में ही आता है। OCR के थ्रू हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसके जो टेक्स्ट कंटेंट हैं, टेक्स्ट मैटर है, उसको हम अलग फैच कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली यूज है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें इमेजेज हैं, टेक्स्ट है और भी बहुत सारे कंटेंट हैं और हम उसमें से केवल टेक्स्ट कंटेंट को फैच करना चाहते हैं, तब हम OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अक्सर हमने बैंक में देखा होगा, हमारा चेक होते हैं बैंक के, वो एक स्पेशल इंक से होते हैं, लिखे होते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक, और उस मैग्नेटिक इंक पे जो कैरेक्टर राइट होते हैं, बैंक उन चेक्स को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करता है उस डिवाइस को बोलते हैं MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यानी कि हमें बैंक के जो चेक्स हैं उनके ऊपर जो भी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का। लाइट पेन भी एक इनपुट ही डिवाइस है। अगर हम कंप्यूटर की या हमारे स्मार्टफोन की या किसी भी तरह के स्मार्ट डिवाइस पे कोई ड्राइंग करना चाहते हैं तो माउस के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट इजी वे में नहीं कर सकते, तो लाइट पेन एक पेन सेप का ही इनपुट डिवाइस होता है जिसको हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू या किसी अदर स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। बड़े बड़े जो IT इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हमें इस तरह के ड्राइंग वर्क करने होते हैं, जैसे CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं, उनमें हम लाइट पेन का यूज करते हैं ताकि हम एक आर्टिस्टिक ड्राइंग को क्रिएट कर सकें और वो भी हाई ग्राफिक रेशियो पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर में ये चार बेसिकली मेन जो हैं वो हमारे डिवाइसेस हैं, OMR, OCR, MICR और लाइट पेन। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ
कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज हमने जो टॉपिक कवर किया इनपुट डिवाइसेस, अगर उन टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से समझाया जा सके। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे न्यू यूजर हैं और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है और कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट या डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।